हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर जिसका नाम है फैक्ट बार। आज मैं आपके लिए 10 फैक्ट लाया हूं, तो चलिए इंट्रो के बाद वीडियो शुरू करते हैं। फैक्ट नंबर 10, हिंदुओं के अनुसार ताजमहल में एक शिव मंदिर है जिसका असली नाम है तेजो महल, क्योंकि किसी भी मुस्लिम देश में ऐसी कोई इमारत नहीं है जिसका नाम के अंत में महल आए। महल मुस्लिम शब्द नहीं है। फैक्ट नंबर 9, दोस्तों अगर आप अपना वजन कम करने की कोशिश में लगे हैं तो एक उपाय और ट्राई जरूर कीजिएगा। आप सोने जाने से पहले 4 घंटा पहले आप कुछ भी मत खाइएगा, सोने जाने से पहले। ये कारगर है, आप इसको जरूर इस्तेमाल कीजिए। इसका इफेक्ट आपको बॉडी में काफी जल्दी देखने को मिल जाएगा। फैक्ट नंबर 8, दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता होगा कि टेलीफोन का खोज अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किया था, पर आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जिन्होंने टेलीफोन की खोज की थी उन्होंने अपनी पत्नी और माँ को कभी फोन नहीं किया, क्योंकि वो दोनों बहरी थी, सुन नहीं सकती थी। फैक्ट नंबर 7, दोस्तों अपने कमरे में पढ़ाई या एक्सरसाइज करते समय जूते पहने रहने से आपके दिमाग को लगता है कि आप व्यस्त हैं और आपका दिमाग उस काम को करने के लिए ज्यादा पोटेंशियल दिखाता है। फैक्ट नंबर 6, फ्रेंड्स ये उन भाइयों के लिए फैक्ट है जो जिम जाते हैं, अगर आप एक्सरसाइज करने से पहले एक संतरा खा लेते हैं तो आपके शरीर में पानी की कमी महसूस नहीं होती है और साथ ही साथ आपके मसल में किसी टाइप का सूजन होने से भी बचाता है। फैक्ट नंबर 5, दोस्तों तितलियों में स्वाद महसूस करने की क्षमता उनके पैरों में होती है ना कि उनके मुंह में। फैक्ट नंबर 4, अगर कपड़े सिकुड़ कर छोटे हो गए हैं तो उन्हें गर्म पानी और हेयर कंडीशनर के साथ घोलकर 5 मिनट के लिए भिगो दीजिए, वे वापस अपने पुराने साइज में आ जाएगा। फैक्ट नंबर 3, दोस्तों 1632 में ताजमहल को बनाने में 2 करोड़ रुपए खर्च हुए थे, लेकिन यदि आज ताजमहल बनाया जाता है तो लगभग लगभग 6,800 करोड़ रुपए खर्च आएंगे। फैक्ट नंबर 2, दोस्तों क्या आपको पता है ताजमहल का रंग दिन में सफेद, शाम को सुनहरा और सुबह गुलाबी दिखाई देता है। ताजमहल हर बार अलग अलग रंगों में प्रतीत होता है, मतलब दिखाई देता है। फैक्ट नंबर 1, दोस्तों जैसा कि आपको पता है यह पेंटिंग प्रसिद्ध लियोनार्डो दा विंची ने बनाया है जिसका नाम है मोनालिसा, और आपको यह जानकर हैरानी होगी मेरे दोस्तों कि लियोनार्डो दा विंची ने ही सबसे पहले कैंची का आविष्कार किया था।